चालीस सर कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मेरे लक्ष्मी खुद और आज जो टुकड़े पापा जी ने फेंके वे इन्हीं हाथ से इन शॉर्ट तुम्हारी हिम्मत गई तेज क्योंकि पापा जी का बिजनेस मैं उनके साथ चला इसलिए अब जो टुकड़े हैं ढाई लाख रुपए इस घर से गायब हो जाते हैं है? हवा है भाई हवा है अचानक गायब हो जाते हैं है? तिजोरी में रखे हुए पैसे गायब और इस औरत को सूझबूझ भी नहीं बिजी थी या बिस्तर पे सुस्ता रही थी तुम्हारे नाक के नीचे से पैसे गायब हो जाते हैं और तुम्हें पता ही हो क्या रहा है भाई यहाँ क्या हो रहा है इस घर में दिवाली के दिन लक्ष्मी आ रही है या जा रही है आप रिलैक्स कीजिए वरना तबीयत खराब हो जाएगी और आपका बीपी बढ़ जाएगा अरे पढ़ने दो बेटा इतना बड़ा नुकसान हुआ है उसके एवज में कुछ तो होना चाहिए कुछ तो पढ़ना चाहिए बीपी बढ़ रहा है हिसाब बराबर पापा जी मैं हूं ना दिलीप कहाँ है वो सुमन के घर गए थे पर वहां से सुमन उनके किसी दोस्त की शादी के फंक्शन पर ले गई है अब पापा जी प्लीज आप नाराज मत होइए माना कि त्योहार के दिन सुमन को तीर्थ भैया को कहीं बाहर नहीं लेके जाना चाहिए था पर दोनों की शादी हो चुकी है हम कर ही क्या सकते हैं और आखिर तो घर की लक्ष्मी है ना आपकी वो छोटी बहू लड्डू माँ क्या हो इतना टेंशन क्यों है लड्डू आदमी का हाथ रोका है जो औरत पे उठाने जा रहे हैं और ये हाथ आप लोगों को रोकना चाहिए माना कि ये आपके पापा जी हैं तो क्या इसका मतलब है कि आपकी मम्मी पे हाथ उठा सकते हैं आपकी मम्मी को मारने का अधिकार है इन्हें पापा जी ने नेताजी पे हाथ उठाया आपके भाई पे हाथ उठाया भले ही मेरी नजर में वो गलत है पर वो आपके पापा जी का अधिकार है बाप हो नेताजी उन्हें अपने बेटे को सजा देने का पूरा अधिकार है बाप बेटे के बीच हम में से किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है पर मम्मी जी पे हाथ उठाना ये अधिकार तो इनको भगवान भी नहीं देते आप लोग ऐसे चुपचाप खड़े रहकर